हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक और बहुत शानदार टॉपिक है, आचार संहिता। आचार संहिता क्या होती है और कब ये लागू होती है और कैसे लागू होती है और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आचार संहिता चुनावों की घोषणा होते ही लागू कर दी जाती है। इसके बारे में तो आपने कई बार सुना होगा कि आचार संहिता लागू कर दी गई है, लेकिन ये कब और क्यों लागू की जाती है यह एक बड़ा सवाल है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। तो फ्रेंड आज हम जानेंगे आचार संहिता के बारे में। शनिवार को चुनाव आयोग ने 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ इन राज्यों में भी आचार संहिता लागू हो चुकी है। भारतीय चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाली आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया वो दिशा निर्देश होता है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना ही पड़ता है। ठीक है, ये निर्देशानुसार यानी आचार संहिता देश की सभी राजनीतिक पार्टियों पर लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य पार्टियों के बीच मतभेद टालने, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। आचार संहिता द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी केंद्रीय या राज्य की अपने आधिकारिक पदों का चुनाव में लाभ हेतु गलत इस्तेमाल ना करें। होता है आचार संहिता और न मानने के क्या है इसके दुष्परिणाम, ये भी जान रहे हैं। चुनाव आचार संहिता का मतलब है चुनाव आयोग के वे निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, उम्मीदवार के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है और अगर वो दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। राज्यों में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही उस राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही प्रदेश सरकार और प्रशासन पर कई अंकुश लग जाते हैं। सरकार कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। वे आयोग के मातहत रहकर उसके दिशा निर्देश पर काम करते हैं। यही महत्वपूर्ण हो जाता है यह जानना भी कि आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री जनता के लिए कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। इस दौरान राज्य में ना तो शिलान्यास किया जाता है, ना लोकार्पण और ना ही भूमि पूजन, कोई भी नया काम चालू नहीं किया जाता इस दौरान सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं किया जाता है जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो। राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नज़र रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं आचार संहिता कब लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में हम जानते हैं। वर्ष 2000 में केंद्रीय सरकार और चुनाव समिति के बीच आचार संहिता को लेकर काफ़ी बहस हुई। केंद्र सरकार चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू होने के चुनाव समिति के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई। सरकार का कहना था कि औपचारिक अधिसूचना के बाद ही आचार संहिता लागू की जाए। चुनाव समिति ने मामले को सुलझाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा किया और बाद में भाजपा समेत देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने आचार संहिता का समर्थन किया और तभी से चुनाव की तारीख घोषित किए जाने के साथ ही देश और राज्य में आचार संहिता लागू कर दी जाती है। आचार संहिता के तथ्य जानेंगे आप फ्रेंड्स। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी दलों के निजी जीवन के समान सम्मान करें और उनके घर के सामने किसी प्रकार का रोड शो या प्रदर्शन करके उन्हें परेशान ना करें। ठीक है फ्रेंड, चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी और उनके प्रत्याशियों को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। किसी प्रकार के अभियान से पहले प्रत्याशी स्थानीय पुलिस को जरूर सूचित करें ताकि सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें। राजनीतिक दलों को यह ध्यान रखना होता है कि उनके द्वारा आयोजित रैलियाँ और रोड शो से यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए। आचार संहिता का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है कि प्रत्याशी किसी भी कीमत पर मतदाताओं किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। अक्सर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को शराब वितरण और पैसे सहित
कई प्रकार के उपहार देने की बात सामने आती है, वह करना पूरी तरह से वर्जित है, मना है। आचार संहिता के अनुसार सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी सराय, मीटिंग मैदान और हेलीपैड आदि सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच बराबरी में उपयोग किए जाएं, उस पर एकाधिकार न जताया जाए। चुनाव के दिन प्रत्याशी अपने राजनीतिक दल का चिन्ह पोलिंग बूथ के आसपास नहीं दिखा सकते। चुनाव समिति द्वारा दिए गए वैद पास के बगैर कोई भी बूथ में नहीं घुस सकता। चुनाव बूथ के पास एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास किसी प्रकार की शिकायत की जानकारी दी जा सकती है। सास